मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हो गया शनिवार, आज हम लोग का ट्री प्लांटेशन का डे है एज एवरी सैटरडे। तो आज भी चलेंगे हम लोग कोलकाता के स्ट्रीट्स पे प्लांटेशन करेंगे जितना हो सके, 5-6 जितना भी पेड़ हो सके, क्योंकि राजेश रहेगा नहीं। राजेश पहले ही कल ही डिनाई कर दिया था दैट ही विल नॉट अटेंड द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। और मेरे को और मीनाल को पता नहीं, मीनाल रहेगा कि नहीं रहेगा, डिपेंड्स। तो थोड़ा हम मेरे दो पुत्र से मिल लीजिए। ये एक पुत्र है जिनको आज छुट्टी मिला है तो एकदम बंदर हो गए हैं, और एक उनको देखिए सुबह से मस्ती के मूड में, घूम जा पलटी मार दे पलटी मार दे, ये देखिए फिर घूम जाएगा, वो सीधा रह ही नहीं सकता है। ये देखिए अभी मैंने इसको सीधा किया फिर पलटी मार दिया, ये सीधा रह ही नहीं सकता है गाइज। तो गाइस चलते हैं डोडो के साथ। डोडो सुबह से ही मेरे को परेशान कर रहा है कि पापा चलो प्लांट्स निकालते हैं। तो हम लोग चलते हैं, अभी चूज करेंगे कौन सा प्लांट लेते हैं। तो गाइस मेरे गोदी में कौन है देखिए, इसको घर में अकेले नहीं रहने का है। निकालो प्लांट्स निकालो। तो गाइस डोडो भी प्लांट्स निकालेगा, वो कांटे का पेड़ है। प्लांट्स निकालो, देखो पीछे से। हाँ ठीक है निकालो। चलो चलो फटाफट करो। तो गाइस ये 5 प्लांट निकल गया है, अब इन 5 प्लांट को हम लोग प्लांटेशन करेंगे डुगू के हेल्प से। तो गाइस ये 5 प्लांट को हम लोग प्लांटेशन करना है ऑन द कोलकाता स्ट्रीट। हां इसमें भी न्यू लीफ उग रहा है, इसमें भी उगा। ओके गुड बॉय। तो गाइस इनको बिस्तर पे रख दिए हैं जो बहुत खुश है बहुत खुश है। जू। तो गाइस क्या लेके आया डुगू, देखिए क्या लेके आए हो। मैगी लेके आया, ये देखिए। और अभी मेरे को इसको रखना पड़ रहा है, मैं अपना टाइम कब निकालूंगा मैं अपना टाइम, क्या आप बता सकते हैं। तो गाइस इसको खाने के लिए फोन नहीं मिला, तो आई वांट दिस डांसिंग कैक्टस, लुक एट दिस। कितना सारा खिलौना रखा हुआ, पूरा बंकर उसके खिलौने से भरा हुआ है। उसके सर वो फोटो गिफ्ट किए थे वो भी ऊपर रखा हुआ, जाओ खुद से उतार लो। हाँ उतर गया, बस हो गया। और ठीक नहीं है गाइस, पता है इसको भी खराब कर चुका है ये। डांस नहीं करता वो, खराब कर चुका है। डांस करता है ना, अच्छा लगता है। कैसे तोड़ा ये था। हाँ देखिए गाइस ये इसको कैसे करके तोड़ा गया है, इसका मर्डर कर दिया गया है। एटलीस्ट यहाँ पे था, यहाँ पे था 280 रुपीस का था ये, पता है तुमको। तोड़ दिया, छोड़ दो अब तुम मैकेनिक गिरी मत करो, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो। चलो 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 चलो
उसका बदमाशी चरम पे रहता है। तो गाइज टाइम हो गया 8:30, अब ऑफिस का तैयारी करते हैं और आपसे मिलते हैं द ऑफिस ब्लॉग पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिस ब्लॉग। गाइज 10:10 टाइम हो गया और हम ऑफिस पहुंच गए हैं, अभी जस्ट पहुंचे हैं। आज फर्स्ट सैटरडे है, तो आज सारा बैंक बंद है, तो ये प्लांट्स को गाड़ी पे ही छोड़ देते हैं छुट्टी के टाइम में, या जब टाइम मिलेगा। आज तो कैनिंग स्ट्रीट में प्लांटेशन करना है, तो जैसे टाइम मिलेगा वैसे जाके कैनिंग स्ट्रीट में प्लांटेशन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो ऑफिस ब्लॉग स्टार्ट करते गए चलते ऊपर। तो गाइस 2:12 टाइम हो गया है और अपना कपड़ा अपन बॉडी में ही सूख गया है। वो देखिए वो मां से खड़ा है राजेश भाई, उसका भी कपड़ा उसका बॉडी में ही सूख गया है। तो अपना लाउडर स्ट्रीट का काम हो गया है, तो चलते हैं ऑफिस और उसके बाद छुट्टी होने का टाइम हो जाएगा एज एवरी सैटरडे। आज भी खाना हम छुट्टी के टाइम पर ही खाएंगे, ज़्यादा थोड़ा मुड़ी खा लेते हैं, घर चल के खाना खाएंगे। तो गाइस जिसको रहना चाहिए वो नहीं रह वो रह गया और जिसको नहीं रहना चाहिए था वो जिसको रहना चाहिए था वो नहीं है, जिसको नहीं रहना चाहिए था वो है। तो राजेश भाई अपने साथ हैं और अपना प्लांट ले लिए हैं, चलते इसको प्लांटेशन करेंगे। यहाँ पे 2 प्लांट कर देंगे अपने स्टैंड रोड पे और बाकी का कैनिंग स्ट्रीट मोड़ पे चलेंगे पास। तो गाइस ये स्टैंड रोड का मोड़, ये अपना ऑफिस और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस मिला है, तो यहाँ पे प्लांट कर देंगे एक पेड़ और दूसरा का जगह खोजना पड़ेगा कहाँ प्लांट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्लांटेशन। यहाँ भी प्लांटेशन हो गया है, डंडा लगा दिए हैं और ये कस्टम हाउस के सामने है। तो अब राजेश को भी जल्दी जाना है आज, तो राजेश भाई को भी छोड़ देते हैं और अपने को कैनिंग शीट में लगाना है। देखते हैं अगर कैनिंग शीट जा पाए तो ठीक है, क्योंकि मेरे को भी डुकू को लेके करते क्लास जाना है। ये आज के लिए आखिरी पेड़ है, इसको प्लांट करते हैं स्टैंड रोड पे ही प्लांट कर दिए हैं। एक्चुअल में अकेले हैं, इतना तो जाने का हिम्मत नहीं हुआ, तो स्टैंड रोड पे प्लांट कर दे रहे हैं, नेक्स्ट सैटरडे देखा जाएगा। तो गाइस अपना भाई जा रहा है, आज के लिए बस इतना ही, मिनाल था नहीं, उसको जल्दी जाना है कहीं, तो स्टैंड रोड पे ही प्लांट कर दिए हैं। 5 पेड़ लेके आए थे, 5 प्लांट कर दिए हैं और देखते हैं अब कैनिंग सीड में कब टाइम मिलता है, कब प्लांटेशन कर पाते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ये ट्रिप प्लांटेशन का प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट कीजिएगा।
अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।